और सक्राइड का मतलब जो है वो से निकला है जिसका मतलब होता है शुगर तो अगर uh, लिखा है अगर इसकी हम करें ये अगर इसको ब्रेक करेंगे, तो ये करेगा मोर देन टेन मोनोसक्राइड यूनिट्स और कार्ड पोलिसक्राइड कि ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी अगर हम ब्रेक डाउन करें यानी करें तो ये हाइड्रोलाइसिस पे टेन जो यूनिट्स हैं मोनोसक्राइड के वो हमें प्रोवाइड करेगा यानी ये टेन यूनिट्स मोनोसक्राइड्स के टूटेगा या मोर देन ठीक है है मोर देन से जो ना वो इतने ये कार्बोहाइड्रेट के मोनोसक्राइड के यूनिट में टूटेगा ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है क्योंकि इसमें जो चीजें हैं जो हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं पोलिसक्राइड जो कंपोज्ड होते हैं बाय द कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसक्राइड जो सिर्फ एक ही किस्म के मोनोस्क्राइड्स के बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं होमो पोलिसक्राइड्स होमो का मतलब होता है सेम पोली का मतलब बहुत ज्यादा और का मतलब सैक्रोन यानी शुगर कि जब बहुत ज्यादा एक जैसे शुगर मिलते हैं तो वो होमो पोलिसक्राइड बनाते हैं अब इसके एग्जाम्पल में आ गया है जिस ग्लाइकोजिन काइटन अब जो स्टार्च है इसको जो प्लांट्स हैं वो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजिन है जो एनिमल स्टोर करते हैं अपने मसल्स वगैरह में और सेल है जो प्लांट की सेल वॉल में पाई जाती है और काटन है जो फंजाई की सेल वॉल में पाई जाती है जो जो कंपोज होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ के उनको हम कहते हैं हीट्रो पोलिसक्राइड का मतलब होता है डिफरेंट पोली का मतलब मैनी और सक्राइड का मतलब सक्रॉन के जब डिफरेंट किस्म के शुगर आपस में मिलते हैं तो वो एक बड़ा लार्जर जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उसको हम हीट्रोपोलिसक्राइड कहते हैं जिसमें एगर है पैक्टिन है एगर भी ये फंजाई के कुछ जो स्पीशीज में पाया जाता है पैक्टिन है और फिर पेप्टाइडो ग्लाइकिन है जो पेप्टाइडो ग्लाइकिन है जो एक सिंगल आ, मोनो हीट्रोपोलिसक्राइड है जो सेल वॉल में पाया जाता है प्रोक्रियाट्स की अब पोलिसक्राइड जो है ना वो फंक्शन के लिहाज से चीफली एज फूड इनको एज अ फूड भी यूज करते हैं जैसे स्टार्च है हम आलू पोटैटो वगैरह में पाई जाती है हमारी ब्रेड वगैरह में पाई जाती है एं, एंड एनर्जी स्टोर और कुछ एनर्जी के स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं अब हम, हम देखते हैं कि कौन कौन पुर से पोल स्क्रैच जो है वो इन फूड और एनर्जी के लिए अब स्टार्च जो है ये हम फूड के लिए यूज करते हैं ग्लाइकोजिन है जो इसको एनर्जी के लिए स्टोर कर लेते हैं और एंड कुछ स्ट्रक्चर मेटीरियल है जिनको भी हम यूज करते हैं अब सेलोज और कार्टून जो है वो प्लांट अपने सलवाल में स्ट्रक्चर मेटीरियल हैं जो अपने उनके सेलवाल में पाए जाते हैं कन्वीनियंट स्टोरेज मालिक्यूल जो हैं वो फॉर सेवर रीजन डिफरेंट रीजन के लिए ये कन्वीनियंट है इसलिए क्योंकि इनका साइज जो होता है देर लार्ज साइज मेक में मोर और लेस इंसॉलुबल इन वाटर इनका जो लार्ज सेल जो साइज होता है एक तो वो हेल्प करता है कि वो बहुत मोर और लेस जो है ना वाटर में इंसॉलुबल होते हैं और सो ये जो है ना एग्जैक्ट करते हैं और केमिकल इन्फ्लुएंस सेल में दे फोल्ड इन टू कम्पैक्ट शेप ये कम्पैक्ट शेप में भी मोल्ड किए जा सकते हैं फोल्ड किए जा सकते हैं और इजीली कन्वर्ट किए जाते हैं शुगर में ऑन हाइड्रोलाइस वेन रिक्वायर्ड के स्टोर करना इनके लिए इजी है क्योंकि ये वाटर में इंसॉलुबल मोर और लेस इंसॉलुबल होते हैं दूसरा ये जो है ना एक्सार्ट करते हैं कॉस्मोटिक और केमिकल इन्फ्लुएंस सेल पे तीसरे नंबर पे ये है कि ये इजीली फोल्ड हो जाते हैं कम्पैक्ट शेप जो उनकी होती है और इनको इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं शुगर में जब हमें नीड होती है तो सम कॉमन जो पोलिसक्राइड है जिसमें स्टार्च है सेलुलोज है काइटन है और वो जो है ना सेलुलोज स्टार्च सेलुलोज और काइटन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस यूनिट में अब नंबर वन पे आता है जी स्टार्च स्टार्च एक होमो है जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सेम टाइप के जो हैं उनका ये बना होता है बहुत से मोनोस्क्राइट सेम टाइप के मिलके एक स्टार्च बनाते हैं ये हंड्रेड ऑफ अल्फा ग्लूकोज ये ग्लोकोजेस जो है ना उनकी वजह से ग्लूकोज यानी डिफरेंट ग्लूकोज मिलके इसको बनाते हैं ये प्लांट का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है प्लांट इसे करते है, स्टोर करते हैं स्टार्च को ये प्लांट स्टोर करते हैं मेनली रूट में स्टेम में और सीड में यानी अपनी जड़ तना और बीच में जो है ना प्लांट स्टार्च को स्टोर करते हैं अब जो सीरियल ग्रेन्स है एंड पोटेटो ट्यूबर है

रिलीज किया जाता है माइलेज वैसे जो है ना वो में प्रेजेंट होता है और फिर जो है वो आपका जो होता है pancreas, वो भी भी जूस में प्रेजेंट होता है तो वो ये जो इंजाइम है ये इसकी डाइजेशन करता है जो स्टार्च है हाइड्रोलाइसिस पे ये जो है ना वो प्रोड्यूस करता है जी माल्टोज एंड माल्टोज इट इज फर्दर डाइजेस्ट बाय माल्टेज इंजाइम पहले हाइड्रोलाइसिस करने पे इसको माल्टोज में ये कन्वर्ट हो जाता है और फिर माल्टोज़ को जो है डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज इंजाम जो है ना वो इसको डाइजेस्ट करता है और जब माल्टेज को डाइजेस्ट किया जाता है तो वो आगे ग्लूकोज जो है ना वो यील्ड करता है यानी इसको मजीद सिंपल में तोड़ा जाता है पहले स्टार्च है स्टार्च को माल्टोज में माल्टोज को देन फिर जो है वो ग्लूकोज में तो ये प्रेजेंस ऑफ स्टार जो है ना ये सिंपल कैन बी कन्फर्म बाय आयोडीन हम इसके जो है ना प्रेजेंस किसी चीज़ में इस चीज़ से कंफर्म कर सकते हैं सिंपली आयोडीन की मदद से कि आयोडीन टेस्ट की मदद से ये ब्लू कलर देता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ तो जब आयोडीन सॉल्यूशन के साथ इसको देखा जाए तो ये ब्लू कलर देता है इसलिए इसके टेस्ट इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि ये स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं तो ये नीचे उसने दिया है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टार्चेस दो तरह के स्टार्च होते हैं और अब जो अमाइलोज होता है उसमें कोई चेन वगैरह नहीं होता जबकि जो माइलो पैक्टिन है उसमें प्रॉपर जो है ना वो होती है। ये देखें ये सीधा स्ट्रेट है कोई ब्रांच नहीं है और अनब्रांच है यानी जो मेन चीज है जो जो सिंपल है ठीक है ये अनब्रांच है जो अमाइलोज है जबकि ये जो है ये लिंकेज है इसमें ब्रांच है तो एक ये डिफरेंस है ठीक है तो ये फिर सिंपल भी है जो माइलोज है ये जो है ना ये माइलोपैक्टिन ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें जो है वो ब्रांचेस भी है नीचे अब डिफरेंस भी आ गया है अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में क्या है तो अमाइलोज जो है वो सिंपली अनब्रांच है एक लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज है जो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ वन अल्फा वन फोर ग्लाइकोस्टिक लिंकेज के साथ और ये क्योंकि ये इसका जो मायलोज uh, है उसका स्ट्रक्चर सिंपल है तो ये वाटर में भी सोलूबल है जबकि उमदादर खाण्ड जो अमाइलो पैक्टीन है ये ब्रांच स्ट्रक्चर है यानी कम्प्लेक्स है थोड़ा इसमें लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोजेज है बट मोर चेन ग्लोकोज है इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेज और इसमें वन अल्फ़ा वन सिक्स जो है ग्लाइकोस्टिक लिंकेज होती है ये कंप्लीटली इन सोलबल इन वाटर है क्योंकि ये कम्प्लेक्स है जबकि जो अमाइलोज है वो है वो

ये कंपोज होता है अल्फा ग्लूकोजेज का ये भी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है एनिमल्स का ये मेनली स्टोर किया जाता है लीवर और मसल्स में ठीक है ये जो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है इसका दूसरा नाम है क्योंकि जिस तरह प्लांट स्टार्च को स्टोर करते हैं उसी तरह सेम एनिमल की बॉडी में ये जो है फंक्शन ग्लाइकोजिन प्रोवाइड करता है डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजिन को क्वाइट सिमिलर टू स्टार्च है इसकी डाइजेशन को पहले जो है वो माल्टोज में फिर माल्टोज से इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है अब जो प्रेजेंस होती है ग्लाइकोजन की वो एक सिंपल कंफर्म किया जाता है आयोडीन टेस्ट की मदद मतलब से कि जिस तरह स्टार्च में भी आयोडीन टेस्ट था इसमें भी आयोडीन टेस्ट था ये आयोडीन टेस्ट के साथ रेड कलर देता है जबकि वो ब्लू कलर दे रहा था ये रेड कलर दे रहा है वो दे रहा था ब्लू कलर ये है जी जो स्टार्च है ये ब्लू कलर देता है जबकि जो ग्लाइकोजिन है ये रेड कलर देता है जब इसको किया जाए टेस्ट टेस्ट आयोडीन टेस्ट में इसके सैंपल को चेक किया जाए तो स्ट्रक्चर अगर ग्लाइकोजिन का है तो वो सिंपली रिजेंपल है जी अमाइलोपैक्टिन के साथ के थोड़ा कम्प्लेक्स है ब्रांचिंग है ठीक है बट ग्लाइकोजिन हैज मच मोर ब्रांचिंग बिल्कुल जैसा लेकिन उससे ज्यादा इसमें ब्रांचेस होती है ये, उससे इड्रेट है, है, है वो अर्थ पे प्लांट की सलवार में होता है। ये भी होमो जो है वो पोलियक्राइड है क्योंकि एक जैसे ये मोनोड के मिलने से बनता है लेकिन बट अनलाइक लेकिन ये स्टार्च और ग्लाइकोजन के जो है ना अगेंस्ट है अनलाइक है उनसे इट इज फाउंड द कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड अल्फा बीटा ग्लूकोज वो सारे ये उनसे इसकी है क्योंकि है। वो सारे अल्फा के बने थे। ये हंड्रेडाज का एज ए मेजर जो है ना वो मेजर जो, जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट है, वो है उनका, उ, इस उनकी सलवाल जो है ना वो प्लांट की सलवाल सेलोज की बनी होती है कार्टन और पेपर जो है ना वो प्योर फॉर्म ऑफ सेलोज है जो कागज और जो कार्टन है

क्या से जो है ना वो सेलोज के बारे में कि ह्यूमन जो है वो यानी कच्ची सब्जी या इस तरह नहीं चुबा सकते नहीं हज़म कर सकते क्योंकि हमारी पार्टी में सेलोलेज इंजायम नहीं होता इसलिए हम प्लांट की सेलोज को जो है ना वो उसको नहीं डाइजेस्ट कर सकते तो ये इस बॉक्स में यही बात बताता है कि हमारी डाइट में डाइट जो है जो हम लेते हैं सेलोज वो हमारी बॉडी से इसी तरह जो है ना वो बाहर चली जाती है क्यों क्योंकि हम उसको साफ नहीं कर सकते उसकी हमारे पास लेज़ एंजाइम नहीं होता जबकि एनिमल के पास ये लेज़ एंजाइम होता है आर्टिफिशली वैसे जो है ना वो किया जाता है सेलुलोज सेलू बाईज ताकि जो है ना डाइजेस्ट किया जाए इनको ग्लूकोज में जो सेलुलोज है अब इसके साथ नेक्स्ट है

फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है अब काइटन जो है ना वो डेरिवेटिव है, है एन एसिटाइल ग्लूको ग्लूकोज अमाइन का ठीक है जो काइटन है ये डेरिवेटिव है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का अमाइन का और ये मोनोमर्ज है मोनोमर्ज का ये मोडिफाई किया जाता है आप गूकोज ग्लूकोज से मोडिफाई किया जाता है इसका अनब्रांच स्ट्रक्चर है और ये मोनोमर्जन लिंक होते हैं बाय बीटा वन फोर लाइकोस्टिक लिंकेज के साथ ये बीटा वन फोर ग्लाइकोस्टिक लिंकेज के साथ जो है वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं दैट्स ऑल इन दिस पॉलीसेक्राइड्स वीडियो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो शेयर वीडियो टू अदर्स आल्सो प्रेस बेल आइकन थैंक्स यू फॉर वाचिंग एजुकेशन एकेडमी लाइक द वीडियो